हेलो जी, राम राम जी सारे ना। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग में। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और ये हो रहा था शाम का टाइम, आज मैंने शाम ने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि आप सबका मैसेज आए थे कि होम टूर दो, होम टूर दो। तो पहले मेरी कोई वीडियो बनाने वाला कौन था, इस खातर मैंने ये आए हैं अंकुश के पापा और अब बनाऊंगे। तो देखो, आपने दिखाऊंगी मैं अपना पूरा घर, तो देखियो और कमेंट करके बताइए कि आपने किसे लगे। तो चलो, आपने देंगे हमारा टूर, होम टूर शुरुआत तक देंगे जड़ता, मतलब हम गेट में, मेन गेट जो हमारा है ओड़ता लेकर आपने पूरा बिल्कुल दिखाऊंगी एक एक रूम। तो देखो जल्दी से। ये देखो जी, ये मेन गेट है। इधर से ये मेन गेट हो गया अपना। जी आ जाओ, अपना अंदर दिखाऊंगी मैं, बाहर का आपने देख लिया। और अंदर और तो देखो, यो रूम है एक पूरा, यो रूम ये मैं मेरे पास रहा है क्योंकि रात ना पूरा मरीज आवे तो मेरे पापा दुआ दे अगर। और इसका अंदर एक और रूम है, या दुकान थी पहले, पूरा मैंने दुकान बना रखी है। ये किराया पर कौन सा डाल दे मैम, बस इसमें कणक कणक और हमारा एक्स्ट्रा सामान जो है सारा धरिया है। सारा बाथरूम इसकी तो पूरे मारे चाक इधर ही देखो, और ऊपरली साइड में लैट्रिन है। ये ऊपर गई पैड़ी और है जो अंदर चल पैड़ी और जो है हमारा रूम देखो। ये इसने कब्जा कर रखे है हमारा रूम का, अंदर तो दिखा दे, अंदर आके दिखा दे। ये देखो, ये हमारी फोटो लाइट हुई है जब अंकुश होया था, जब की फोटो है। और ये कुछ हम टूर पर गए थे घूमने, जब की फोटो है। तो जी वो देखिए आपने, और जो है हमारा किचन देखो, ये मेरा मेरा कल्ला मेरा ये मेरा किचन है देखो। यह रसोई है, या सॉरी ये फ्रिज है, और ये जालीदार ये इसमें हम दूध दाल सब्जी रोटी डेली डाल देते हैं। इसका बदर देना। और ये आगे हमारा बड़ा कमरा, यार हमारे इधर ये इसमें हमारे कपड़े हैं, उसमें हम अपने बिस्तर धर आ गया बूढ़े वगैरह। और देखो उतर आएगा, ये आ गया लास्ट, ये इतना अच्छा आंगन है देखो। और ये मेरे मम्मी ने ला रखे इन पौधे, या एसी है। और पीछे तक खुला है देखो, पीछे तक खुला है जमा देखो, पीछे तक यह एरिया है। और इमाम था हम ऊपर, ऊपर का एरिया हमें दिखाओगे तो चलते शाम का टाइम हो रहा है, इसका तो देख कितना बढ़िया आने लग रहा है। ठीक है, और एक या भाई मैंने तुम पे आई थी तुम नाड़ी दा रखी हो ना, तो ये आज देखो मैं आई हूं। हां, इसका भी दो गेट है, एक पर लिखा है एक ऊपर लिखा है। और ये फोटो लग रही है अंकुश के ताऊ जी और ताई जी की। और बीच में ये बीच वाली फोटो है, ये है इनकी तीनों भाइयों की, और बीच में वो अंकुश की बुआ है। और देखो जो बाहर निकल के है देखो, बीच में सुबह रहा हूँ इस साइड के दुबारे, इस साइड के दुबारे तुम्हारे देखो, तुम्हारा मेन गेट लगा रहा है, मेन गेट लगा तुम्हारा। और एक भी साइड फैक्ट्री है, ये हमारा दुबारे का जो बाहर का वो सीन है ना, यो तो राम राम जी सारे ने। और आपने देखा हमारा मकान, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि मतलब कैसा लगा। ठीक है,
तो जी मैम आपने बताऊंगे कि मैम हमारे घर में मतलब कितने ये देखो पहले तो इस कार्टून की एक्टिविटी रहेगी आप तो नहीं तो जी मैम हमारी है जॉइंट फैमिली मतलब कि जो मेरे ससुर और हैं वह पांच भाई हैं जिसमें तो तीन तो न्यारे और हैं दो सिर में जो छोटे हैं वह दो सिर में हैं मतलब कि एक मेरा ससुर जी और एक मेरे तक छोटा है मतलब इनके काका जी हैं जो वह छोटे हैं वह मतलब हम दो हाँ वह सिर में हाँ और जो मतलब मेरी सासू और मेरी मौसस मतलब मौसी मारी दोनों बेबे हैं सगी बेबे हैं और वहाँ रहा है मतलोडा माम पहली मतलोडा रहा करते लेकिन ये जो मतलब कब तक शुरू करने लगे पापा आपे आए थे उरे 2005 में 2005 में आए थे आप तो मेरा मतलब मेरे ससुर जी ने जो है क्लिनिक करया था मतलब प्राइवेट डॉक्टर है उन क्लिनिक करया था 2000 में 2000 में और 2005 में आए थे आप 2005 में आए थे 2000 में क्लिनिक करया था 2000 में क्लिनिक करया था 2005 में माम उरे आए थे उरे मतलब माम रहा वहां और ये हैं तीन बहन भाई हैं इनका मतलब एक ये हैं ये सब तो छोटे हैं इनता बड़ी इनकी सिस्टर है उनता बड़े इनके भाई हैं भाई इनके जो बड़े भाई हैं वह उसमें रेलवे में जॉब कर रहे हैं सरकारी लग रहे हैं और पंजाब में उनकी ड्यूटी है मैं ओढ़े ही रहे हैं और आपने ब्लॉग में देखा भी होगा कि मेरी मम्मी गई है तो मेरी मम्मी उनके पास में गई है आपने सबने ब्लॉग में देखा होगा और क्योंकि ये व्लॉग में बैठते को नहीं कदे भी कैमरा के सामने को नहीं आते आज मैंने धक्का तो भी टायर रखे है कि आज तो पक्का बैठना ही बैठना है कैमरा के सामने आना ही आना है इन्ना हंस से आया घर तो इसका तो बैठे थे और मतलब इनकी सिस्टर भी मैरिड है और उनका उनकी शादी कद हुई थी 2018 में उनकी मतलब कि इनके बड़े भाई की और इनकी सिस्टर की साथ में थी उनकी शादी जद हुई थी और इनकी सिस्टर का एक लड़का है और भाई का एक छोरा और एक छोरी है दो हैं दो बालक हैं और मारे तो आपने देख लिया होगा कि अंकुश है एक है अलोना हाँ वो मारा एक है और हमारी शादी 2020 में हुई थी 2020 बिल्कुल लास्ट में हुई थी 25 दिसंबर की हमारी 25 दिसंबर 2020 में हमारी शादी और 25 सितंबर 2021 में अंकुश का बर्थडे है और अंकुश हो गया 3 साल का तीसरी साल में लग रहा है दो बर्थडे इसके जाली हैं तीसरा बर्थडे आओगा इसका और जो मतलब मेरे मतलब इनके जो काका जी हैं उनका दो लड़के हैं दोनों अनमैरिड हैं दोनों इधर पढ़े हैं एक 10th में अंकित आपने एक आधी बार देखा भी होगा थोड़ा बहुत आया करा वो कैमरा के सामने इतना आया नहीं करता वो है और एक साहिल एक का नाम साहिल बड़ा है वो ओडे रवा है उनके दो रहे मतलब जो मेरी मौसस और जो काका है उनके पास में ओडे ही रवा है मतलब ओडे रवा है और जब हमारा जी करा मतलब माम ने जाना हो या फिर बाहर त्यौहार हो तो माम सारे ओडा ही जाकर मनावा एक साथ मनावा हाँ ज़्यादातर तो अगर कोई मतलब काम आ जाए फिर कोई मजबूरी आ जाए तो दूसरी बात है वरना हमारा जी करा जब माम ओडा चले जावा हाँ नहीं ओडा रहा हाँ और है बाकी हमारे जॉइंट है वह उनका जी करा जब वह आ जाए हमारा जी करा जब माम भी चले जावा हाँ और तो आप सब ने देखा कि हमारे घर भी देख लिया और मतलब सारे मतलब मैंने अपने घर के बारे में भी सबके बारे में आपने बता दिया है तो आप कमेंट करके ना बताइए कि किस किस घर में आज भी इतने बड़ी बड़ी मतलब इतने लोग हैं मैं गया क्या हो गया फोन देखा था फोन ले आऊं खोस के मैं उस पे तो आप कमेंट करके ना बताइए कि आपके घर में कितने बंदे हैं और मैम वहाँ खेड़ी चौक पे मैं खेड़ी चौक था बरवाड़ा रोड पे ठीक है जिसने भी आना हो ऐ जी बेझिझक कोई बात नहीं और तो जी ठीक है आज का व्लॉग मैं बस इतना ही उम्मीद करूँ अपना व्लॉग अच्छा भी लग गया होगा क्योंकि इसमें मैम ने अपने पूरे ये राम राम कर पहले राम राम सभी को राम राम ये रुस रहा है फोन दूंगा फोन मांगने लग रही है किसी की नहीं सुन रहा सभी को पहले राम राम तो जी ठीक है आज के लोग मैं बस इतना ही उम्मीद करूँ आपने वो लोग अच्छा लगा होगा और मैंने आज अपने सारी पूरी फैमिली के बारे में और पूरा घर आपते दिखा दिया कॉमेंट करके बता दियो कि आपते किस हाल है गया है तो जी ठीक है ओके बाय बाय और नेक्स्ट टाइम आप ये जरूर बताना कि मैं अगला व्लॉग किस चीज पे डालूं तो ठीक है आज का व्लॉग ना उरे एंड करूँ हूँ बाय बाय गुड नाइट।